हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सब लोग कैसे हैं? तो आज मेरा स्कूल बंद है, इसलिए आज मैं आया हूँ हमारे खुद के तालाब में फिशिंग करने। देख सकते हो ये हमारा तालाब है और यहाँ पे कभी कभी हम फिशिंग करने आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक व्लॉग भी बना लेता हूँ। तो ये है, यहाँ पर है मछलियों का चारा है और ये भी है, देख सकते हो, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये है हमारा फिशिंग रॉड, देख सकते हो गाइस, इसमें हम ये वाला चारा यहाँ पे देके हम फिशिंग करेंगे और मछली लेके जाएंगे घर। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैंने बहुत सारा पूजा का शॉपिंग भी किया हुआ है, वो भी इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया है और ऑलरेडी यहाँ पे फिश आ भी चुका है। तो मैंने यहाँ पे बात नहीं किया और वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि बात करने से वहाँ पे तो मछली भाग जाएगा ना। तो गाइस देखते ही देखते मेरे को यहाँ पे एक फिश भी मिल चुका है, देख सकते हो आप लोग। और मेरा अंकल यहाँ पे इतनी सी छोटी सी मछली को देख के डर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना फनी था ये। सो गाइस फाइनली ये मछली तो निकल चुका है फिशिंग रॉड से, अच्छा लगा, पहली बार में ही मैंने पकड़ लिया, ये मैंने ही पकड़ा है। सो गाइस यहाँ पे देखते ही देखते मेरे को और सेकंड मछली भी मिल गया जो कि सेकंड मार में ही मिल गया। ये थोड़ा बड़ा है और इसको देख के भी मेरा अंकल डर रहा है और ये भी हमसे फिशिंग रॉड से नहीं उतारा जा सकता है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये थोड़ा सा बड़ा मछली है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, और इसको खाने में बहुत मज़ा आएगा हम लोगों को। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने तीसरी बार में ही और एक मछली पकड़ लिया, हालांकि ये थोड़ा छोटा है फिर भी हम लोग इसको पकड़ नहीं पा रहे गाइस, आप लोग देख ही सकते हो। ये है लास्ट मछली और पता है मैंने अभी एक ट्रिक शॉट की है कि डायरेक्ट एक मछली को उठा के डायरेक्ट मैंने हाथ तक नहीं लगाया, डायरेक्ट वो बाल्टी में गया है, देख सकते हो। तो ये हमारा लास्ट मछली था और आज हमारा फिशिंग बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो चलो अभी चलते हैं घर। सो गाइस हमारा फिशिंग खत्म हो चुका है और घर जाके थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा मेरा पूजा का शॉपिंग। तो चलो अभी घर चलते हैं। तो गाइस हम लोग फिशिंग खत्म करके घर पे आ चुके हैं और हम लोग फ्रेश भी हो चुके हैं। तो अभी मैं दिखाने वाला आप लोगों को मैंने पूजा में क्या क्या खरीदा, मेरा और मेरे बहन ने। तो गाइस मेरे से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं फर्स्ट चीज खरीदा हूँ ये वाला, मेरा जूता है ये वाला, देख सकते हैं मैंने दादी ने मेरे को दिया है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला जूता है। तो अभी जूता को साइड में रख के नेक्स्ट वाला शर्ट है जो कि मेरे अंकल ने मेरे को दिया है। तो ये एक टी शर्ट है जो मेरे नानी ने दिया है, ये व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के मिक्सचर में है, आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर है ये वाला टी शर्ट। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये जो शर्ट है ये भी मेरे नानी ने मेरे को दिया है पूजा के गिफ्ट में, देख सकते हो ये एक फुल शर्ट है। और यहाँ पे एक पैंट है, ये शर्ट और पैंट एक सेट में था, आप लोग देख सकते हो ये कितना सुंदर है ब्लैक कलर का पैंट। तो मेरे पास ब्लैक कलर का पैंट नहीं था इसलिए मैंने ब्लैक कलर का वाला सेट लिया। ये एकदम अलग है। अभी दिखाता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट कपड़ा का सेट, मेरा ही है। तो बस ये वाला जो टी शर्ट आप लोग देख रहे हो ये मेरे बड़ी बुआ ने मेरे को दिया है ये वाला, और यहाँ पे फिर से एक व्हाइट कलर का ही शर्ट है मेरे मामा ने दिया है, और यहाँ पे एक थोड़ा व्हाइट लाइट कलर का एक जीन्स पैंट भी है। उसके बाद मेरे दादाजी ने भी मेरे को पैसा दिया था लेकिन उससे मैंने अभी तक खरीदा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा कपड़ा है आप लोग देख सकते हो, उसे मैं विंटर में भी चीज़ें खरीद सकता हूँ। मेरे बहन को भी दिया था, उसके बाद मेरे बड़ी बुआ की बेटी को भी दिया था। तो गाइस अभी मैं दिखाता हूँ मेरा बहन का इतना सारा चीज़ें हैं मतलब पूजा पे। फर्स्ट आता है मैंने भी अपने जूता ही दिखा था, इसका भी जूता ही है, इसके पापा ने इसको दिया है, कितना इसका पापा मतलब मेरा अंकल, वो इसके पापा ने मेरे को ये वाला दिया, मेरा अंकल ने, ये इसके पापा ने दिया है। और जब ये चलेगा इसमें साउंड भी निकलेगा। तो आप मैं दिखाता हूँ अपना बहन का कपड़ा, तो पहले ही आ चुका है एक टोपी जो कि आया था एक ड्रेस के साथ, आप लोग देख सकते हो कितना क्यूट है ये, मतलब ये पूरा सेट में था, कितना क्यूट है, स्पेशली गर्ल्स का ड्रेस मेरे को बहुत क्यूट लगता है। और आ चुका है उसी के साथ एक टी शर्ट, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस ये जो ड्रेस का सेट था मेरे को तो बहुत क्यूट लगा और मेरे बहन को पहनने के बाद भी बहुत क्यूट लग रहा था।
तो ये है उसका दूसरा ड्रेस जो कि एक फ्रॉग है जो मेरी नानी ने उसको दिया था गिफ्ट में। तो ये है मेरे बहन का तीसरा ड्रेस, आप लोग देख सकते हो ये भी बहुत सुंदर है। सो आप लोग देख सकते हो ये भी बहुत क्यूट लग रहा था, ये मेरी बड़ी बुआ ने उसको दिया। तो इस ड्रेस के सेट में टोटल चार चीज़ें था, पहले एक फ्रॉक, पहले एक उसके बाद एक लेगिंग्स, उसके बाद एक बेल्ट भी था और एक जैकेट भी था। तो ये और एक ड्रेस है बहन का जो मेरे मम्मी ने दिया है, एक टॉप और एक शॉर्ट्स। और उसके बाद आ जाता है और एक बहुत सुंदर सा, मतलब बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही सुंदर सा एक ड्रेस आ जाता है जो मेरी दादी ने उसको दिया है, जो कि पिंक कलर का और एक वाइट कलर का कॉम्बिनेशन था। तो ये मेरे बहन का पापा यानी कि मेरा अंकल ने उसको दिया है, आप लोग देख सकते हो घर में पहनने के लिए ये, और एक पैन के साथ आता है ये वाला, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद आ जाता है एक घर में पहनने के लिए फुल फ्रॉक, क्योंकि अभी ठंड आ रहा है ना गाइस। तो गाइस ये था मेरा और मेरी बहन का इस साल का दुर्गा पूजा का शॉपिंग। तो आज के लिए ब्लॉग फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।